सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, दिशा पटानी, रोनित राय और सन्नी हिंदुजा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म को सागर अम्बरे और पुष्कर ओझा ने निर्देशित किया है। फिल्म का रिव्यू करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस फिल्म में क्या अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस और उलझी हुई कहानी। इस फिल्म में क्या बुरा है, इस फिल्म में पहले 30 मिनट आपको भ्रमित करने वाला है। आप पहले 30 मिनट के दौरान एक ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि आप बाद में होने वाली हर चीज़ को मिस नहीं करना चाहेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मूवी को देखें या ना देखें। यदि आप अच्छे एक्शन दृश्यों से रोमांचित होना चाहते हैं तो इस मूवी को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये फिल्म हिंदी भाषा में उपलब्ध है। इस फिल्म की जो रनिंग टाइमिंग है 133 मिनट की है। अपने दिवंगत पिता सुरेश कात्याल के नक्श कदम पर चलते हुए अरुण कात्याल यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा योद्धा टास्क फोर्स में शामिल हो जाते हैं। अमृतसर विमान अपहरण के दौरान अरुण का महत्वपूर्ण मिशन, जहां उनके प्रयासों के कारण एक यात्री की दुखद मौत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप योद्धा टास्क फोर्स को भंग कर दिया गया है। कुछ साल बाद अरुण खुद को एक दूसरे अपहरित विमान पर पाते हैं। हालांकि उनके पूर्व सहकर्मियों और सरकार को उन पर योद्धा टास्क फोर्स की बर्खास्तगी का बदला लेने के लिए अपहरण की साजिश रचने का संदेह है। क्या अरुण खलनायक हैं जैसा कि दिखाया गया है, या कहानी में कुछ और भी है, हमें अंत तक सब कुछ पता चल जाता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी सागर अम्बरे ने लिखी है। शुरुआती 30 मिनट थोड़े बोरिंग लग सकते हैं आपको, क्योंकि घटनाएं कहीं से भी सामने नहीं आती। हालांकि सिद्धार्थ का एंट्री सीन एक्शन से भरा हुआ है, जो उम्मीद जगाता है कि इस तरह का एक्शन हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि अमृतसर अपहरण सीधे तौर पर अरुण द्वारा पहले से ही मिशन को अंजाम देने से शुरू होता है। हमें कभी पता नहीं चलता कि विमान का अपहरण कैसे किया गया। जैसे ही दिल्ली लंदन उड़ान के अपहरण का खुलासा होता है, कहानी गति पकड़ लेती है। फ्लाइट क्रू और यात्रियों की प्रतिक्रियाओं और संदेह के साथ साथ अरुण का भ्रम से सतर्कता में परिवर्तन कहानी में तनाव को बढ़ा देता है। अरुण के इरादे को लेकर चाहे वह खलनायक हो या नायक, अनिश्चितता पहले 30 मिनट में दर्शाया गया है, जो आपको लास्ट तक बांधे रखती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में हर 20 मिनट में एक नई बल्कि कई ट्विस्ट आते हैं। हालांकि कुछ का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उत्साह यह जानने में है कि अरुण इस अराजकता से निकलकर हवा और ज़मीन पर मौजूद लोगों को कैसे बचाता है। फिल्म के एक्शन निर्देशन क्रेग मैकरे हमें आनंदित करने के लिए एक एक्शन सीन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। उन्होंने अच्छी कोरियोग्राफी की और लड़ाई के सीन से हमारा भरपूर मनोरंजन किया। योद्धा में मेरे पसंदीदा दृश्यों में से एक वह है जब विमान 360 डिग्री घूमता है। आप शानदार सिनेमेटोग्राफी और ओवरऑल काम से बहुत आश्चर्य होंगे। एक और असाधारण क्षण कॉकपिट में दिशा पटानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच दृश्य है, जो उत्साह की एक और परत जोड़ता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा हमेशा यूनिफॉर्म में आकर्षक दिखते हैं। शेरशाह के बाद अभिनेता फिर से एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अविश्वसनीय जुनून, साहस और लचीलेपन के साथ अरुण कात्याल का किरदार निभाने में सिद्धार्थ अभूतपूर्व हैं। उनका अभिनय चमकता है, खासकर मनोरंजन एक्शन दृश्यों में। प्रियंवदा कात्याल के रूप में राशि खन्ना शुरू में प्रभावित करती हैं, लेकिन कहानी में उनका किरदार फीका पड़ जाता है। फिर भी उससे जो भी अपेक्षा की जाती है वो उससे बेहतर काम करती हैं। इसमें फिल्म में दिशा पटानी एक अहम भूमिका में है, लेकिन ऐसे किरदार हैं जो वास्तव में उन पर सूट करते हैं। सनी हिंदुजा एक और अभिनेता हैं जो आश्चर्यजनक प्रदर्शन करते हैं। सागर अम्बरे और पुष्कर ओझा ने योद्धा के लिए टीम बनाई है, जो कुछ कमियों के साथ एक दिलचस्प कहानी है। यह हैरान करने वाली बात है कि पहले 30 मिनट में उनमें से किसी ने भी कथा की असंबद्ध प्रकृति पर ध्यान क्यों नहीं दिया। हालांकि एक बार जब दूसरा अपहरण सामने आता है तो वे अक्सर हमें विमान और पूरी फिल्म में होने वाली अराजकता में डुबाने में असफल हो जाते हैं। हालांकि कुछ मोड़ मूर्खतापूर्ण हैं, फिर भी मनोरंजन के लायक हैं। योद्धा में एक रोमांटिक गाना है और दो बैकग्राउंड ट्रैक। फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म में गानों की अधिकता न करना एक बुद्धिमानी भरा विकल्प है। एक्शन सीक्वेंस और रोमांचक कहानी
दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखने के लिए बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर आनंददायक रूप से मुड़ी कहानी, पात्र और लुभावने एक्शन सीक्वेंस एक बेहद आनंददायक अनुभव बताते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्शन एडवेंचर एक हवाई यात्रा जैसा दिखाता है। हालांकि टेक ऑफ सहज नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है यह आपको अपनी ओर खींचती है। कहानी में कुछ उथल पुथल के बावजूद अंततः खुशी होगी कि आपने इस रोमांचक मूवी को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। इस मूवी रिव्यू में आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी रिव्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।